हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फूड हेवन चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मसाला करी। तो ये बहुत अच्छे तरह से बनता है और अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 पैकेट मशरूम, तो इसे अच्छी तरह से धोकर कट कर लिएगा। तो यहाँ 3 टमाटर और 1 प्याज और थोड़े से काजू। तो काजू मैं मिक्सी को डालकर साइड पर रख लूँगी। तो उसके बाद प्याज भी मिक्सी को डालिएगा। टमाटर को भी मिक्सी को डालकर साइड पर रख लिएगा। तो मशरूम मैं यहाँ ये साइज में कट कर कर रख ली हूँ। तो उसके बाद पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून गरम होने के बाद मैं इसमें मशरूम डाल रही हूँ। मशरूम का पानी थोड़ा सा ड्राई होने तक हमें पका लेनी चाहिए। तो मशरूम का पानी इस तरह सूखने के बाद हमें साइड पर रख लेंगे। उसके बाद उसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद मैं इसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 चकला और बिरयानी का पत्ता। उसके बाद मैं इसमें पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। प्याज को थोड़ा सा साइड पर रखकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें 3 हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 पिसी हुई टमाटर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद पिसी हुई काजू पाउडर डालेंगे। और इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। और ये पकते समय 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। और ये पकते समय मशरूम्स डाल देंगे। और इसे 10 मिनट्स तक पकने छोड़ने चाहिए। ये पकते समय मैं कोथमीर डाल रही हूँ। इसमें नमक का थोड़ा कमी है, इसलिए मैं फिर से डाल रही हूँ। उसके बाद 1/2 नींबू,
इन सबको अच्छी तरह से मिला लेनी चाहिए। तो हमारा गर्मा गर्म मशरूम मसाला करी बनकर रेडी हो गया है। आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा बना है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।